हे दोस्तों, मुझे याद है जब मैं 12th में था तब मेरी क्लास में एक लड़का था जिसे मुझे काफी जेलस फील होता था। वो क्लास का टॉपर नहीं था, दिखने में बहुत स्मार्ट नहीं था और अमीर भी नहीं था, बट फिर भी पूरी क्लास उसे पसंद करती थी, यहाँ तक के टीचर्स, प्यून और प्रिंसिपल भी। इसका रीजन ये था कि उसे लोगों से बात करने आती थी। वो बहुत ही अच्छे से उन सबसे कभी भी और कितना भी बात कर लेता था बिना हेजिटेशन के। तब उसे देखकर मैं अपने आप को ये बोलता था कि अरे ये कोई बड़ी चीज तो है नहीं और मुझे ऐसा कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है किसी को इम्प्रेस करने की ऐसा कुछ। जबकि रियलिटी तो ये थी कि मुझे अपने फ्रेंड्स के अलावा और किसी से बात करने बहुत ऑकवर्ड लगता था। मैं ये सब बहाने मार के बस अपने आप को एक्सक्यूज देता था, जो कि गलत था, क्योंकि लोगों से बात करना और कम्युनिकेट करना हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये एक ऐसी स्किल है जो हम सबको अच्छे से आनी ही चाहिए। पर सैडली हमारा एजुकेशन सिस्टम इस इंपॉर्टेंट स्किल को बढ़ाने के लिए ज्यादा हेल्प नहीं करता और हम खुद भी ड्यू टू इंटरनेट और सोशल साइट्स इस चीज पर ध्यान देने को एकदम भूलते ही जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ये स्किल बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया है कि बातों में बहुत पावर होता है और उससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप बात करके बड़ी बड़ी डील्स क्रैक कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा कर सकते हो और किसी का भी दिल जीत सकते हो। सो आज मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी ये स्किल को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। टेक्निक नंबर 1, द फ्लडिंग स्माइल। विलियम बी स्टैनहार्ड एक स्टॉक ब्रोकर थे। उनकी शादी को 18 साल हो गए थे पर वो हार्डली कभी अपनी वाइफ से बातें या हंसी मजाक करते थे। वो अपनी लाइफ से ज्यादा खुश नहीं थे और उनके रिलेशन दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे नहीं थे। वो कभी किसी से बिना रीजन बात नहीं करते थे और ना ही कोई कभी उनसे बात करने की कोशिश करता था। वो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो रहे थे, सो सिचुएशन को बेटर करने के लिए उन्होंने डेल कार्नेगी के एक क्लब में मेंबरशिप ली। वहां उन्हें चीजों को बेटर करने के लिए एक सिंपल सा टास्क दिया गया। टास्क ये था कि उन्हें हर घंटे में एटलीस्ट एक बार किसी भी एक इंसान को देखकर स्माइल करनी होगी। उन्होंने इसे सीरियसली लिया और फिर उसे अप्लाई करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे वो हमेशा की तरह उठे, पर आज उन्होंने नाश्ता करने से पहले अपनी वाइफ को एक स्माइल दी और गुड मॉर्निंग कहा। ये देखकर वाइफ एकदम शॉक हो गई कि आज वो इतना अलग क्यों बिहेव कर रहे हैं। तब उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि फिकर करने की बात नहीं है और अब से ऐसा रोज होगा। ये सुनकर वाइफ को शॉक भी लगा और बहुत अच्छा भी फील हुआ। फिर उन्होंने रास्ते पे लोगों को देखकर उन्हें भी स्माइल देना स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर वाले को, टिकट वाले को, एलिवेटर बॉय, अपने कलीग्स को और ऑलमोस्ट सबको देखकर उन्होंने स्माइल करना स्टार्ट कर दिया। ये करते हुए उन्हें एक बात रियलाइज हुई कि अब जिन्हें भी वो स्माइल करके देखते थे वो भी उन्हें रिटर्न में स्माइल करके देखता था, जो उन्हें काफी अच्छा फील कराता था। और बिकॉज ऑफ दिस अब धीरे धीरे उनके कलीग्स ने भी उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया था और बात करने पे ये भी बताया कि कैसे पहले वो लोग उन्हें एक खड़ूस इंसान समझते थे। ये टास्क करके उन्हें कहा गया था कि वो अपने एक्सपीरियंस दूसरे मेंबर्स के साथ भी शेयर करें। सो उन्होंने एक लेटर में ये सारी चीजें बताई और कहा कि इस एक सिंपल चीज ने उन्हें और उनकी वाइफ को इतनी खुशी दे दी है जितनी कभी उन्हें सालों में भी नहीं मिली थी। सो आप लोग भी जब भी किसी से बात करते हो या जब आप बात नहीं भी करते फिर भी अपने फेस पर एक स्माइल रखो। ये चीज आपकी अट्रैक्टिवनेस और कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी और दूसरी तरफ आपका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस भी कम करेगी, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बात करते टाइम फेस पर हल्की सी स्माइल रखना सामने वाले इंसान को सेफ और अच्छा फील कराती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, फ्लडिंग स्माइल मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को देखते ही फौरन स्माइल कर दो, बल्कि ऑथर कहती हैं किसी से मिलने के बाद आपको पहले उनके फेस पे देखना चाहिए और फिर एक दो सेकंड रुककर एक स्लो स्माइल करनी चाहिए, बिकॉज लोगों को ये स्माइल फास्ट स्माइल से ज्यादा जेन्युइन लगेगी। टेक्निक नंबर 2, द स्टिकी आईज। सोशल एक्सपर्ट्स कहते हैं एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वो जब किसी से बात करते हैं तो वो सामने वाले इंसान को देखने के बजाय इधर उधर ज्यादा देखते हैं। अब उनके इधर उधर देखने का रीजन कुछ भी हो, लेकिन ये चीज सामने वाले को ये सिग्नल देती है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो और ऑब्वियसली ये बात किसी को पसंद नहीं होती। सो अगर आपको सामने वाले के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है या एक अच्छी कन्वर्सेशन करनी है तो कभी भी ये सिली मिस्टेक मत करो। बेस्ट ये है कि आप बात करते टाइम लोगों की आंखों में देखो और आई कॉन्टैक्ट बनाओ। लेकिन एक बात याद रखो, स्माइल करना, आई कॉन्टैक्ट बनाना ये सब बेस्ट है अगर सामने वाला आप में और आपके रिएक्शन में इंटरेस्टेड है तो, वरना ऐसा करना सामने वाले को क्रीपी और अजीब भी फील करा सकता है। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के ये दोनों चीजें यूज करना। टेक्निक नंबर 10, मैच द मूड। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका मूड बहुत खराब हो, आप सैड हो और उसी टाइम कोई इंसान आके आपसे एकदम फुल एक्साइटमेंट में जोर जोर से आपसे बात करने लगे? यूजुअली आपको भी एक्साइटमेंट अच्छी लगती हो,
लेकिन बस उस टाइम पे आपको उस इंसान से थोड़ी चिढ़ होने लगे। या फिर कभी इसका उल्टा हुआ हो, जब आप एकदम एक्साइटेड हो और कोई आके आपसे एकदम सैड बातें करने लगे। मोस्टली जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो उन्हें उन अलग मूड वाले लोगों से दूर जाने दिल करता है, स्पेशली अगर उस इंसान के साथ उनका क्लोज रिलेशन ना हो, मतलब वो कोई नया इंसान हो या जिससे वो ज्यादा बात ना करते हो कोई ऐसा इंसान हो। अब ये होता है बिकॉज ऑफ मूड मिसमैच। इसीलिए जब आप किसी से बात करना स्टार्ट करो तो आप पहले इस बात पे ध्यान दो कि सामने वाले का मूड कैसा है। अगर वो सैड या लो मूड में है तो आप डायरेक्टली एकदम ज्यादा एक्साइटमेंट में उनसे बात मत करो, बल्कि स्टार्ट में थोड़ा आराम से बात करो और फिर धीरे धीरे अपने मूड और एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाओ। ये चीज सामने वाले का भी मूड अच्छा कर सकती है। टेक्निक नंबर 15-17, नेवर द नेकेड जॉब, सिटी एंड इंट्रोडक्शन। बहुत से लोग जब पहली बार किसी से मिलते हैं या फर्स्ट टाइम किसी से बात करते हैं तो उनकी बातें कुछ ऐसे होती है। हेलो। हेलो, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुरेश, और आपका? मेरा राजेश। ओ, अच्छा नाम है। मैं असल में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, और आप? जी मैं एक इंजीनियर हूँ। ओह गुड गुड, तो आप रहते कहाँ हो? जी मैं थाने में रहता हूँ, और आप? मैं वसई। ओह नाइस नाइस। बस अब वापस एक ऑकवर्ड साइलेंस, और उसके बाद दोनों को ये नहीं समझ में आता कि आगे वो क्या बात करे। तब वो दोनों बस चाहते हैं कि वो कैसे भी उस सिचुएशन से बाहर निकले, और ये होने के बाद नेक्स्ट टाइम अब दोनों एक दूसरे को जितना हो सकेगा अवॉइड करेंगे, क्योंकि उन्हें फिर वो ऑकवर्ड सिचुएशन से डील नहीं करनी होगी। अगर आप चाहते हो ऐसा ना हो कभी और आपकी अच्छे से बात हो लोगों से, तो प्लीज अपने ऊपर और पूरी इंसानियत के ऊपर एक एहसान करो, और कभी भी एक लाइन में किसी के क्वेश्चन का जवाब मत दो। जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, इन क्वेश्चंस के लिए थोड़े बड़े जवाब सोचो। मतलब आप पता करो कि आप जहाँ रहते हो वहाँ के कुछ फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आप लोगों को उस जगह के नाम के साथ और बता सकते हो। वैसे ही आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपको लगता है लोगों को या आपको खुद को बात आगे बढ़ाने में मदद करेगी, वो बोलो। और प्लीज अगेन, अगर आप चाहते हो आपकी अच्छे से बात हो सामने वाले से, तो उन्हें कभी भी बस एक लाइन का आंसर मत दो। टेक्निक नंबर 20, पैरेटिंग। पैरेट एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है जो हमारा दिल इजीली जीत लेता है, और वो भी बस हमारे कहे गए कुछ वर्ड्स को रिपीट करके। किसी से बात करते टाइम अगर आपको आगे क्या बोलना है ये नहीं समझ आ रहा और आप चाहते हो आपकी बातें आगे बढ़ती रहे, तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो जिसे कहते हैं पैरेटिंग। इसमें आपको और कुछ नहीं, बस सामने वाले इंसान के कहे गए लास्ट के कुछ वर्ड्स को रिपीट करना होगा और आपकी बात आगे होती रहेगी। एग्जाम्पल, एक आदमी अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक दोस्त मिल गया। ये उसका इतना अच्छा दोस्त नहीं था और उसे उस दोस्त से ज्यादा बात करने जमता भी नहीं था। यूजुअली वो उसे अवॉइड करता था ताकि बात करनी ना पड़े, पर क्योंकि उसने हाल ही में ये टेक्निक सीखी थी जो उसे ट्राई भी करनी थी, इसीलिए उसने उससे बात करना स्टार्ट की। फ्रेंड ने उसे बताया कि वो एक शो अटेंड करके आ रहा है, तो उसने रिप्लाई किया, शो? फ्रेंड बोला, हाँ यू नो बहुत मजा आया, बड़े बड़े सिंगर्स आए थे। तो उसने कहा, बड़े बड़े सिंगर्स? फ्रेंड बोला, हाँ रे, ये आया था, वो आया था, शान, राहत, के और बहुत से लोग। तो उसने कहा, के? हाँ, क्या गाना गाया उसने, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर इसी तरह बस पैरेटिंग करके उसने बहुत टाइम तक उससे बात करी जितनी पहले उसने कभी नहीं की थी, और वो भी बिना कुछ खुद से बोले। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि उसका दोस्त उसे एंड में बोल के गया कि उसे बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। ऐसा हुआ बिकॉज बहुत से लोगों को कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखने के लिए बस एक रिप्लाई की नीड होती है, और बहुत बार वो रिप्लाई का कुछ ओरिजिनल या खुद का सोच के बोलना भी जरूरी नहीं होता। इसीलिए पैरेटिंग एक सिंपल सा ऑप्शन है जो ये नीड को पूरा कर सकता है और आपकी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रख सकता है। ये कुछ टेक्निक्स मैंने आपको हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक से बताई है। इस बुक में टोटल 92 छोटे छोटे लेकिन बहुत काम के ट्रिक्स है जो आपको किसी से भी बात करने में बहुत अच्छा बना सकता है। अगर आप इस बुक की सारी टेक्निक सीखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके वो खरीद सकते हो। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सेटिंग में जाके अपने नोटिफिकेशन ऑन कर दे, और फिर मेरे चैनल के होम पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दे। इससे आपको जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करें अगर आपको ये आइडियाज काम के लगे, अपने व्यूज कमेंट करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा यूजुअली हर वीक। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।